सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अभी तक से वीडियो पोस्ट नहीं हुई, उसके लिए माफ़ी। नहीं पोस्ट हुई थी वीडियो बट, और अभी मतलब मैंने एक हफ्ते की शीट लिया था जिसके अभी 2 दिन बचे हैं, 2 दिन 19 घंटे बचे हैं, और मैंने 2 बार बारविन किंग और आर्चनी क्वीन को डाला है। और अभी इसके बाद बुक ऑफ हीरोज यूज़ करके आर्चनी क्वीन को बना देंगे अपन लेवल 20 का, दोनों को बराबर रखेंगे। अभी ये लेवल 19 का 20 पे डाला है, और अभी तक मतलब मैंने प्रीवियस अटैक किया था टाउन लेवल 13 पे 4 दिन पहले, और उसके बाद मैंने अटैक ही नहीं किया कोई भी। ये अटैक था मतलब ये बेस, तो फिर भी मैं टाउन लेवल 13 से फोड़ता हूँ मेरे, बट अभी टाउन लेवल 9 से भी ऐसे बेसिस मैंने फोड़ डाला, ईजीली फुट गया ये बेस भी। 2 स्टार तो नहीं हुआ, अगर ईगल नहीं रहता था तो हो जाता था 2 स्टार। बलून्स ने जल्दी जल्दी ले लिया उसको, और सारे बलून्स गए, एक भी नहीं बचा। ओके, तो अब अलग अलग तरफ से डाल के थोड़ा 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 सा करके डैमेज किया 25% तक। ड्रैगन इधर मरेगा, लीगल आर्टरी आर्टर टावर दोनों छोड़ेंगे। तो ये अभी 4 दिन पहले का अटैक है, ये हुआ नहीं। और अभी मैं आपको मेरी लूट बताता हूँ, इतना लूट पड़ा है मेरे पास अभी, और क्लैन गेम्स के तो रिजल्ट ले लिए मैंने, और मतलब मेरे पास लूट ही नहीं है। लूट भर भर के इतना कि मेरे को क्लैन गेम में लूट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और अभी ये स्टार बोनस आया, ये मेरे लिए है ही नहीं, बिकॉज मुझे लूट की अभी ज़रूरत ही नहीं है। उसको मुझे लेने तक पहुँचाना, और मतलब अभी तो कोई ज्वाइन नहीं करेंगे क्लैन, बट अभी हमारे जो TH-13 है उससे उसको, सॉरी गलत चले गए थोड़ा, वो ठीक है। तो TH-13 में जाना है हमें, तो ये हमारा TH-13, और ये होने के बाद फिर ट्रॉफीज़ तो हमारे कुछ हुए नहीं, लीग ट्रॉफीज़ कुछ आए नहीं, लेजेंड ट्रॉफीज़ हमारे हाथ, लेकिन फिर भी कुछ तो आए, हम जून सीज़न में कुछ तो किया। और अभी वार्डन को तो अपग्रेड को डाल दिया है लेवल 12 पे, रॉयल चैम्पियन को लेवल 13 की हो चुकी है, बारविन किंग और आर्चनी क्वीन उतने ही लेवल के हैं। हाँ, और अभी जब से नया अपडेट आया है तो स्टोन स्लैमर को डालना बाकी रह गया है मेरे को, क्योंकि स्टोन स्लैमर लगता है। और अभी तो मैं दूसरे क्लैंस में जा रहा हूँ, उनका हाल देख के आ रहा हूँ क्या क्या हो रहा है वो क्लैंस में। और एक क्लैन में मैंने हाल ही में वॉर भी खेली है, मैं आपको वॉर के रिप्लेस बता देता हूँ, पहले वो क्लैन में जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे हम। ओके, सो क्लैन किधर गया, मैंने बुक मार्क नहीं किया था वो क्लैन को, बट मेरा एक बेस छोड़ के आया था मैं उधर, बिकॉज अभी देखो कोई तो क्लैन में अपने को एक बार तो जाके वॉर खेलनी है दूसरे क्लैन में जाके। तो ये रहा हमारा दूसरा अकाउंट, तो फिर इसका वॉर लॉग, अभी इसको जॉइंड। ओके, सो हमारे ट्रॉफीज लो है, तो मतलब हम ज्वाइन तो नहीं कर सकते बिकॉज वो प्लेयर का इनवाइट आया था तो मैं गया था, अभी वो जस्ट क्लैन में जाके आया था मैं। अभी देखते हैं उसने हमारे दूसरे वाले अकाउंट को एल्डर बनाया है या नहीं बनाया है, मुझे नहीं पता। ओके, सो मुझे नहीं लगता उसने एल्डर बनाया है हमारे क्लैन को, नहीं बनाया है उसने। प्रोफाइल चेक कर लेते हैं, तो मेंबर ही हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं इसको इनवाइट करने की कोशिश करता हूँ मेरे इससे। ओके, सो इनवाइट नहीं कर सकता मैं, मतलब मैं आपको अटैक रिप्ले नहीं दिखा सकता जब तक ये इनका क्लैन जब तक इनवाइट नहीं करेगा। हाँ, बट मतलब मेरा क्या हो गया था, मेरे पास ना आर्चनी क्वीन था ना बारविन किंग थी, और मैंने 4 घंटे की शील्ड लिया था, तो मैंने मेरे क्लैन पे बिल्कुल नहीं गया, मैं मेरे क्लैन में गया ही नहीं, बस थोड़े थोड़े टाइम के लिए जाके वापस आ जाता था मैं क्लैन में, अगर किसी मेरे को खुद को डोनेट चाहिए रहता, बिकॉज अगर कोई ऑनलाइन नहीं तो मुझे खुद को डोनेट चाहिए, तो फिर मैं जाके वापस आ जाने का, इतना मैं करने का।
हाँ, और अभी जस्ट मतलब मैं वो क्लैन में जाके आया था। हाँ, तो वो क्लैन में वॉर खेली, अच्छा था क्लैन भी। हाँ, और हमारा क्लैन तो ऐसे ही पड़ा है, अभी उसकी वॉर स्टार्ट हुई है। और अभी क्लैन वॉर लीग जब ख़त्म होगी, सॉरी जब यह सीज़न ख़त्म होएगा जून सीज़न, तब क्लैन वॉर लीग हम लोग एक दिन में हमारे क्लैन में वापस चले जाएंगे, तब चालू कर देंगे। अभी 2 दिन में ये होएगा क्वीन, और दो दिन की अभी भी शील्ड है। और अभी मैंने बिल्डर बूस्ट लिया था इसके लिए, ये ऐसा हो रहा है, और वो ख़त्म हो गया बिल्डर बूस्ट मेरा। और अभी हम अटैक्स करेंगे हमारे TH10 से। ओके, सो लेट्स गो फॉर द अटैक। सो गाइज, हमारा अभी मेरे क्लैन में वॉर चल रहा है, बट मैं नहीं हूँ वो वॉर में, बिकॉज मैं बाहर रह रहा हूँ। मुझे मेरे वॉर में अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, तो मैंने ये अपग्रेड को डाला था, इसके लिए मैं वॉर में नहीं था। बट फिर अभी वॉर में हम अपने TH13 वाले से अटैक करेंगे। ओके, सो देखते हैं अभी किस पे अटैक करना है हमें। ओके, सो अटैक आपको दिखेगा सोशल पे हमारे। तो अटैक चालू हो गया है अभी, अभी अटैक कर लेंगे हम, और कोई चारा नहीं था। मेरे जो सामने का बेस था उस पे मैं अटैक कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब इतने सारे स्केलेटन ट्रैप। कोई नहीं, आ गया इसको इलेक्ट्रो ड्रैगन बाहर। अब इसको इलेक्ट्रो ड्रैगन को ख़त्म करेंगे, गया इसका इलेक्ट्रो ड्रैगन आज। और ये अटैक मुझे लगता है 3 स्टार नहीं होने वाला, बिकॉज आप देख ही सकते हैं मेरे ट्रूप कम बचे हैं, या फिर बोल दीजिए बचे ही नहीं है। और इधर ये तो इलेक्ट्रो ड्रैगन, ठीक है चलिए देखते हैं अभी कितना मार सकते हैं मैक्स टू मैक्स। मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा हो पाएगा, 4 2 स्टार भी नहीं होएगा ये, तो मेरे को लगता है ऐसा। पहले मेरे पास एक रेंज बचा है, तो उसे यहाँ बलून से डाल देते एक रेंज को हमारे। ओके, तो रेंज आ गया है ये, बस यार ये पागल चाले। ओके, तो ये इन्होंने पागल चाले कर ही दिए, जो नहीं चाहता था वही हो गया। अब जल्दी से वो एयर डिफेंस को तबाह कर दे। ओके, तो एयर डिफेंस गई, एयर डिफेंस गई, मोटार गई, इलेक्ट्रो ड्रैगन भी गया, क्वीन भी गई, सब गए। अब बचे हैं 3 इलेक्ट्रो ड्रैगन, देखते हैं ये क्या करते हैं। मतलब ले तो लेंगे ये आराम से अभी, तो ले तो लेंगे आराम से भाई। 3 इलेक्ट्रो ड्रैगन क्या कर सकते हैं, एक एक्सबो को मार सकते आराम से। वो तो एक्सबो तो गई, बहुत बहुत मार रही थी एक्सबो। इलेक्ट्रो ड्रैगन ने मुंह बंद कर दिया एक्सबो का, ख़त्म कर दिया। 1 मिनट, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 59 सेकेंड, 3 स्टार तो हो जाएगा आराम से। आ गया, अगर स्केलेटन्स आ गए उलझन के लिए तो फिर वो अलग बात है, आएंगे नहीं स्केलेटन्स तो। वैसे मेरी क्वीन किधर मरी है, मेरी क्वीन इधर मरी है, और ये गया। बहुत ही मस्त अटैक हुआ है इससे, तो बहुत लाजवाब 3 स्टार अटैक, 3 स्टार अटैक हो गया है इससे। और अभी तो एक्स्ट्रा ट्रूप्स डाल देता हूँ मैं मेरे अकाउंट में, तो हो गए वो। और अभी TH10 से जो हमें अटैक करना है, देखते हैं अभी कौन सा मिलता है। वैसे तो हम TH10 से है जो पुशिंग कर रही नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप TH10 के अकाउंट को देख लो मेरे, अभी भी मतलब इस पे है वो क्रिस्टल। और अभी इसको मेरे को और नीचे लाना है,
मुझे इसको और नीचे लाना है, इसको ऊपर ही नहीं लाना, मुझे इसको और नीचे लाना है। सो अटैक करना चालू, डेड बेस मिला है मुझे एकदम, बहुत मस्त वाला डेड बेस है। यहाँ पे शायद से मुझे डोनेट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। पीछे का मिनियन से क्लियर करेंगे पूरा, थोड़ा थोड़ा करके मिनियन क्लियर कर देंगे उसको। यहाँ पे एक रेंज आएगा बीच में, लेकिन गलत तरफ चले गया हमारा रेंज, बिकॉज है बलून्स, अपने पागल बलून्स है ना, बलून पागल है, पागल ही चाले करते रहते हैं, जहाँ पे जाने को बोला वहाँ पे जाएंगे नहीं, क्या कर सकते हैं। मिनियन क्लियर करने के लिए और डाल देंगे, और किंग और क्वीन का यूज़ अब करेंगे हम, और जो डोनेट है उसका यूज़ नहीं करेंगे स्टोर का, बिकॉज ये इजी बेस है, उसके ऊपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है हमें अभी। क्लोन्स गायब हो रहे हैं हमारे, हल्लू हल्लू करके, और ये गायब, क्लोन्स तो चले गए, अभी दोनों की एबिलिटी लेंगे बिकॉज कुछ फ़ायदा है नहीं, और ही स्पेल डाल देंगे किसके ऊपर भी। थ्री स्टार तो है, थ्री स्टार आराम से, और लूट भी बहुत मस्त मिली है। ये सच बात है कि नीचे जो भी रहते हैं, जो भी नीचे के प्लेयर रहते हैं उनको डेड बेसिस मिलते हैं और ये मिलते हैं, उनके मेरे को ये रहता है, मतलब ये हो जाता है। और हमारा जो ग्रैंड वार्डन है वो एक दिन चार घंटे में आएगा, मतलब फिर उसके बाद हम कुछ अपग्रेड नहीं करेंगे सात दिन तक, जब तक ग्रैंड वार्डन ख़त्म नहीं होती तब तक कुछ अपग्रेड नहीं करेंगे हम। थ्री स्टार हो गया आराम से एकदम, ये हो गया थ्री स्टार, और हमारे से तो हम अटैक नहीं डालने वाले बिकॉज है नहीं हमारे पास अभी के लिए कुछ, हमको दो दिन तक रुकना पड़ेगा, दो दिन 18 घंटे रुकना पड़ेगा तभी मैं अटैक डाल सकता हूँ। और अभी एक दिन में क्लैन वॉर, एक दिन 20 घंटे में क्लैन वॉर लेकर आने वाले, तो हम एक दिन में ही चले जाएंगे, मतलब एक दिन होने के बाद चले जाएंगे हमारे क्लैन में वापस से। अभी तो रोमिंग करते रहेंगे किधर किधर जाना है, और बहुत क्लैंस बोल रहे हैं कि स्टे करो स्टे करो, बट अपना होम क्लैन जो है उसमें ही स्टे करेंगे हम तो। और आप लूट देख सकते हो, इसके अंदर फुल है, 7,20,000 की एलिक्सर की लूट पड़ी है इसके अंदर, और 36 लाख की कॉइन्स की लूट पड़ी है। अभी कितना ऐड होएगा और इसके अंदर आप बताओ। और इसको तो मैं TH-10 पे अपग्रेड करने नहीं वाला, बिकॉज TH-10 हमारे पास पहले से ही है, और अभी TH-10 को जो हमारा TH-10 है, सोशल में चलते जल्दी से, और जो हमारा TH-10 है इसको हम करने वाले हैं मैक्स, इसको हम करने वाले हैं अभी मैक्स, अभी तो ट्रूप्स ट्रेन हुए नहीं 44। ओके सो ये गलत बता रहा है, ये 44 बलून्स मैं ट्रेन नहीं करता, मैं लावा लून और मिनियंस यूज़ करता हूँ, ये यूज़ नहीं करता मैं, ये गलत बता रहा है। और अभी मतलब रश्ड बेस है ये, तो इसका मतलब मैंने क्या किया था, एक एक करके, और मैं आपको एक बेस बताता हूँ जो मतलब मेरा बहुत पुराना बेस है, जिसके ऊपर मैंने 20,000 रुपये खर्च किए थे मेरे, देखता हूँ मैं आपको बताता हूँ वाला बेस TH-9 का, बट अभी भी रश्ड है वो 20,000 रुपये खर्चा करने के बाद भी उस वो रश्ड है अभी तक। मैंने उसको 2-3 साल पहले खोलना छोड़ दिया था वो बेस को, वो अभी तक रश्ड है, देखते हैं अभी जल्दी जल्द। ओके सो इसका टैग, मैं इसका टैग देखते हैं अभी जल्दी से, इसका टैग सर्च कर लेते हैं हम, फ्रेंड रिक्वेस्ट। ओके सो फ्रेंड्स में जाके इसका टैग है 9YG U28CG2,
और ये था वो क्लैन जिसके ऊपर हमने हमारे 20,000 रुपये उड़ा दिए, सॉरी बेस था ये जिसके ऊपर हमने हमारे 20,000 रुपये उड़ा दिए थे, फिर भी मैक्स आउट नहीं हुआ और अब भी इसके ऊपर अटैक हुआ है, पक्का इसके ऊपर अटैक हुआ है। और ट्रेन देखिए हम क्या करने के, ओनली पेक्का, बिकॉज तब के टाइम पे हमको मालूम ही नहीं था ना क्या है, मतलब मैं ये गेम वो टाइम पे खेलने का जब सब लोग ट्रेंडिंग में खेलने के, बहुत ट्रेंडिंग में चलने का ये गेम, बट तब मुझे इतना दिमाग नहीं था कि पहले बेस को मैक्स आउट करना है, नहीं तो ये 20,000 रुपये उड़ाने वाला ये बेस था मेरा जिसके ऊपर मैंने मेरे 20,000 रुपये उड़ाए थे। और इसका नाइट विलेज ही देख लो यार, इतना घटिया लग रहा है ये बेस, और ये बेस को अभी वापस लाने की तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अब ये सब मैंने बाय किया था, ये जो बॉम्बर टावर दिख रहा है, ये सेकेंड लेवल का विजार्ड टावर दिख रहा है ना, ये सब मैंने जेम्स से बाय किए थे, जेम्स भी नहीं वो पैक्स आते हैं ना, मतलब जैसे ही आप अपग्रेड करते हो ना, जेम्स से आप अपग्रेड करना स्टार्ट करते हो, पैसे खर्च करना स्टार्ट करते हो, तभी आपको ये पैक्स आते हैं, जैसे आपको 2 लेवल की एक्सबो प्लस 3500 जेम्स हाँ आपको 1200 रुपये या 1300 रुपये में मिल जाएंगे, या फिर 2000 रुपये में, इतने में मिल जाएंगे, तब के टाइम पे ऐसा था मेरा। हाँ और अभी तो इस TH9 को मुझे वापस लाना है कि नहीं वो तो कमेंट्स में बताओ आप, लाना है कि नहीं, लाने की कोशिश करूँगा। और देखिए यार इसका मतलब मुझे, मेरे पे ये होता है, मतलब आप मेरा बेस देख लो और वो बेस कंपेयर करके देख लो, आप मेरा बेस देखो और वो बेस देखो यार कैसा लग रहा है, मतलब इसके लिए मतलब मैंने उसको 3 सालों में वापस लाने की कोशिश भी नहीं की कभी, उसको 20,000 रुपये उड़ाने के बाद। और फिर क्या मम्मी से डांट पड़ी 20,000 रुपये क्यों उड़ाए कैसे उड़ाए, और तब तो क्या बच्चे थे, उड़ा दिए 20,000 रुपये, तब इतनी समझ किधर थी पैसों की। ओके सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी 43 हो चुके हैं हमारे सब्सक्राइबर्स, और थोड़े क्लैंस का शुक्रिया जिन्होंने मुझे थोड़े थोड़े सब्सक्राइबर, जिन क्लैन में गया था वो उन्होंने ला के दिए मुझे सब्सक्राइबर्स, तो उनके लिए बहुत शुक्रिया, और स्पेशली मतलब जिस सभी में 10 क्लैन में उसको भी शुक्रिया कि उन्होंने मतलब वॉर खेलने दी, उधर वॉर भी अच्छा लगा, 50 vs 50 करते हो हमेशा, बट वो वॉर हम हार गए, 75 on 120 था वो वॉर का स्कोर। सो फिर ठीक है गाइस, बाय।